ओके व्यूअर्स, आपके अपने चैनल एक्सीलेंट टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो है नारंगी के प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। और मैंने अपनी नर्सरी का एड्रेस वीडियो के ऊपर ही डाला है। यह है नर्सरी में ही पेड़ रखा हुआ है और मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। देखिए यह है इस पॉट में, इसमें लगा हुआ है और देखिए यह कितना अच्छा, इसमें नारंगी जो है हर वक्त आती हैं, हर सीज़न में आती हैं और इसमें नारंगी कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए ये नारंगी पकी हुई है, काफ़ी आप देख रहे हैं पकी नारंगी देख रहे हैं, कुछ छोटी हैं, बहुत ही छोटी हैं। देखिए ये छोटी आ रही हैं, छोटी आ रही हैं। इसके बाद देखिए यह और भी काफ़ी घना होता जाता है। रही बात इसकी कि क्या करें, देखिए इसको कटिंग से तैयार किया जा सकता है। यह अब और छोटी नारंगी बन रही है, यह हमेशा बनती रहती है, यह कभी ख़त्म नहीं होती, पूरे साल यह नारंगियों से भरा रहता है यह पेड़। इसकी देखरेख कैसे की जाती है, तो इसकी देखरेख कोई ज़्यादा नहीं की जाती है, बहुत कम देखरेख वाला पौधा है। इसको बस आप जो है 10-12 इंची छोटे पेड़ को तो 10-12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा होने पर यह है 18 या 26 इंची के गमले में लगाएं तो यह भरपूर नारंगियां देता है पूरे साल। इतनी अच्छी वो बनाए रखता है कि बहुत अच्छी वो बनाए रखता है। रही बात इसको खाद की, तो खाद आप इसको एक महीने में एक बार वर्मिंग कंपोस्ट डाल देना चाहिए, क्योंकि इस पे फल ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और NPK 19:19 का इस पे छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई बीमारी भी नहीं आती। रही इसे पानी कैसे दें, तो पानी इसको तब दें तब इसकी मिट्टी सूख जाए, ज़्यादा पानी ना दें। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत है, इसको इंडोर नहीं रखा जा सकता, इसको गार्डन में लगा सकते हैं आप, इसको अपने बगीचे में लगा सकते हैं, इसको छत पर भी लगा सकते हैं। धूप यदि नहीं आती तो छाए में रखेंगे तो इस पर नारंगियां इतनी नहीं आएंगी। रही है देखिए बहुत ही अच्छा फल भी देता है और अच्छा भी, और बहुत कम मेंटेनेंस में यह पौधा हमारा चलता रहता है। यह ग्राफ्टेड पौधा है, ग्राफ्टेड पौधे पर बहुत जल्दी फल आ जाते हैं, बीज से उगाए हुए पर देर से फल आते हैं। देखिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।